भी वक्त की मारी है बेचारी है, लेकिन इमली को पता लग गया है सूर्या का सच। जी हाँ, और वो सच ये कि सूर्या है एक पुलिस ऑफिसर और आए हैं इमली को पकड़ने। लेकिन भाई बहुओं का बात तो आज तक कोई भी बांका नहीं कर पाया, ये सूर्या है क्या भला। तुम्हारी ताकत हुआ आज तो मुझसे दूर भाग रही है। तुम अपने बारे में मैं हूं तुम्हारा बाबू, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अखरोट का छिलका। इमली का सच पता करने के लिए सूर्या ने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि वो अब बिन्नी के साथ सगाई भी करने को तैयार हो गया। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, सूर्या को नहीं पता कि रोका सगाई होगा क्या नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्या डजंट केयर कि वो किसके साथ शादी हो रही है, क्या हो रहा है। उसका बस एक ही मोटो है कि उस दिन क्या हुआ और उसके जीजाजी अभी है कहाँ, अगर मर गए या जिंदा है, किसने मारा, क्या हुआ उस दिन, वो सब निकालना चाहता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन इमली है कि सच बोलने को राजी नहीं है, तो ऐसे में सूर्या को जो समझ में आ रहा है वो ना वही कर रहा है। सूर्या एक पुलिस ऑफिसर है और अब उसने ठान ली है कि इमली के मुंह से सारा सच उगलवा के ही रहेगा, जिसके लिए उसने झूठ भी कह दिया कि वो अगस्त्या है, जबकि इमली जानती है कि अगस्त्या और सूर्या में जमीन आसमान का फर्क है। तुम हमारे बाबू नहीं। शट अप इमली, मैं हूं तुम्हारा बाबू, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अखरोट का छिलका। सूर्या के जो जीजा जी है वो मर गए और इन्होंने इलीगली किसी को बिना बताए लाश को दफना दी है। मतलब इमली ने, सोनाली और शिवानी ने, तीनों ने लाश को दफना दिया है। दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस और वो ये जानना चाहता है कि किसने मारा और हुआ क्या है, इसलिए वो सच नहीं बोल रहे इमली। तो अभी इमली के पीछे अभी सूर्या भागेगा और उसके अलावा सोनाली के पीछे भी भागेगा और शिवानी के पीछे, कि सच निकाल पाए। अब घर वालों ने अगस्त्या की ये बात सुन ली और देखिए इमोशनल भी हो गए। सबको लग रहा है कि उनका अगस्त्या लौट आया, जबकि हकीकत तो इमली जानती है। तो तुम बाबू बनने की कोशिश करना छोड़ दो, ना हमारे बाबू जैसे कौन है। अब एक ही शक्ल के दो अलग अलग इंसान तो हो नहीं सकते हैं, और खास करके छोटे पर्दे की दुनिया में अक्सर हमने यही देखा है कि चेहरा वही होता है, केवल नाम बदल कर आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो वही है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि सूर्या कह रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम सूर्या है, तो ऐसे में अगस्त्या कहाँ गया, क्या इमली अगस्त्या से मिल पाएगी या फिर उसकी कहानी यहीं पे बस खाली गोल गोल घूमकर रह जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।